नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो राफेल विमानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि फ्रांस इस साल के अंत तक भारत को कुल 35 ओमनी रोल लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी करेगा, जबकि एक आखिरी लड़ाकू विमान उत्तर बंगाल के हाशिमारा बेस पर एक्टिव होने के लिए जनवरी 2022 में सोलो जर्नी करेगा। 26 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी फ्रांस के द्वारा पहले ही की जा चुकी है, जिनमें से 24 विमानों को भारत में उतारा गया है, जबकि 2 लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट और तकनीशियन प्रशिक्षण के लिए उन्हें अभी फ्रांस में रखा गया है। भारत अपने सहयोगी फ्रांस की विश्वसनीयता को देखते हुए भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पावर रेशियो और समुद्री हमले की क्षमता की वजह से राफेल में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। भारतीय वायुसेना भविष्य में 36 और राफेल विमान हासिल करना चाहती है, जबकि नौसेना राफेल एम को अगले साल शुरू होने वाले INS विक्रांत पर एक लड़ाकू विकल्प के रूप में देख रही है। दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी थिएटर में राफेल के शामिल होने के बाद भारत की युद्ध की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। फ्रांसीसी फाइटर इस उपमहाद्वीप में सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिच्योर मिसाइल और हवा से जमीन में मार करने वाली हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल से लैस हैं। आपातकालीन खरीद के तहत भारत के द्वारा अधिकृत हैमर मिसाइल जो कि 70 किलोमीटर रेंज वाली है, इसे मात्र 500 फीट की ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों अगली अपडेट मिजोरम से आ रही है। जिस तरीके से आपने अभी तक जान लिया होगा कि दोनों राज्यों के बीच भयंकर हिंसा हुई जिसमें 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मिजोरम के साथ जारी सीमा विवाद के बीच अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा कि राज्य की सुरक्षा कड़ी करने के लिए 3 जिलों में 3 कमांडो बटालियन बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3000 जवानों को भर्ती किया जाएगा। कछार, करीमगंज और हाइलाकांडी की 164 किलोमीटर लंबी सीमा मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित के साथ लगती है। यही दोस्तों दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और एक दूसरे की पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मामले में अब हस्तक्षेप किया है और ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये दो राज्यों का सीमा विवाद है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि भारत और रशिया को लेकर आ रही है। भारत और रूस राजनीति के साथ साथ अपने सैन्य रिश्तों को भी काफी मजबूत कर रहे हैं और इसी के चलते अगले महीने यानी कि अगस्त में दोनों देशों की सेनाएं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण शुरू करने वाली है। 13 दिनों तक चलने वाली यह एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच दोस्ती को और मजबूत करने का काम करेगी। आपको बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के वोल्गोग्राद में आयोजित किया जाएगा। अगली अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। लगातार दोस्तों अब ऐसा हो सकता है कि युद्ध होगा भारत और चीन के बीच में, क्योंकि परिस्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं और अब पैंगोंग झील से मात्र कुछ कदम दूरी पर फिर से चीन डट गया है और सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के साथ लगातार मिसाइलें और घातक हथियार तैनात कर रहा चीन अब पैंगोंग झील से सटकर अपनी सेना को तैनात कर रहा है। करीबन 6 महीने पहले भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील के इलाके से सेना को पीछे हटाने और गश्त नहीं करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद भी चीन ने अपने सैनिकों को पैंगोंग झील के फिंगर 4 से हटाकर फिंगर 8 के ठीक पीछे तैनात कर दिया है और सैटेलाइट तस्वीरों से विवाद वाले पॉइंट्स के ठीक पास चीन के सैनिक मौजूद है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेस्फ्रा की तस्वीरों के मुताबिक पैंगोंग झील से सटकर मौजूद चीनी सेना के ठिकानों पर बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद हैं और ये PLA का वो ठिकाना है जो कि गश्त नहीं लगाने के लिए हुए समझौते स्थल से मात्र कुछ इंचों की दूरी पर है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद अभी भी बना हुआ है। चीन ने अपने इस अड्डे पर रक्षात्मक खाई, ईंधन टैंक और सैनिकों के रहने की जगह बना रखी है और इसी बीच चीन जहां लद्दाख में जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बैठकों का आकलन कर रहा है, तो वहीं PLA ने बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। यही कारण है जैसे कि मैं बताता आया हूं कि भारत भी मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहा है और 50,000 जवानों को तैनात कर रखा है और भारत चीन सीमा पर सैनिकों की इस तैनाती को दशक का सबसे बड़ा सैन्य तनाव बताया जा रहा है। हालांकि दोनों देशों ने तनाव के बीच सीमाई इलाके में काफी ज्यादा बुनियादी ढांचों को विकसित कर लिया है। इनमें सर्दियों के दौरान सैनिकों को रहने के लिए इंसुलेटेड कैबिन और टेंट भी शामिल है। यही दोस्तों गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेपसांग और डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं अब भी आमने सामने तैनात हैं और इसी के चलते भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी ताकत को बढ़ाए रखने के लिए सेना के वन स्ट्राइक कोर का ट्रांसफर भी पूर्वी लद्दाख में किया है। इस यूनिट के जवान पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA की ओर से उठाए गए किसी भी कदम का मुकाबला करने के लिए लेह के हेडक्वार्टर से सहायता लेंगे। आपको बता दें कि वन स्ट्राइक कोर के अलावा 2 अन्य स्ट्राइक कोर पाकिस्तान से मुकाबले के लिए हैं और इनका मुख्यालय अंबाला और भोपाल में। किसी भी प्रकार से संघर्ष की स्थिति में स्ट्राइक कोर को स्वाभाविक रूप से
फर्स्ट मूवर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। वन स्ट्राइक कोर के पूर्वी लद्दाख में जाने से भारत के मौजूदा सैनिकों की संख्या में इजाफा होगा। और जो जानकारी हमारे सामने आई है उसके अनुसार चीनी सैनिकों के लगभग 4 डिवीजन G219 राजमार्ग में तैनात है, जो कि अक्साइ चीन से होकर गुजरता है। भारत भी अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि तेजस फाइटर जेट को लेकर आ रही है। HAL के चेयरमैन ने कहा कि HAL पूरी तरह से तैयार है LCA तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा कि तेजस MK2 पर ADA के साथ मिलकर काम चल रहा है और इसका पहला प्रोटोटाइप 2022 तक सामने आ जाएगा और इसके ग्राउंड ट्रायल्स के लिए लगभग एक साल का वक्त लगेगा और फ्लाइट ट्रायल्स 2026 तक पूरे हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL दोनों मिलकर ट्विन इंजन TEDBF और भारत के AMCA पर भी काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि एयरबस A330 को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर फर्म डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने एयरबस A330 के फ्लैप ट्रैक बीम असेंबली के लिए 150 शिपसेट्स बनाकर एयरबस को सौंपे हैं और एयरबस के लिए भारत की फर्म दुनिया की पहली सप्लायर भी बन गई है। ये फ्लैप ट्रैक बीम्स क्लास 1 फ्लाइट के विंग के साथ कनेक्ट रहते हैं और ये प्लेन की स्पीड, डायरेक्शन और बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर आ रही है। भारत में बोइंग के सेल्स हेड ने कहा कि बोइंग ने इंडियन नेवी को अपने F/A-18 सिंगल सीटर ई वेरिएंट और टू सीटर एफ वेरिएंट की पेशकश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने करीबन 150 सिमुलेशन स्टडी की है, जिसके बाद बोइंग अब अपने F/A-18 Block 3 को INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशनल डेमोंस्ट्रेशन करने के लिए भी तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि टू सीटर एफ वेरिएंट भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा क्योंकि ये मैन और अनमैन सिस्टम के साथ तालमेल बैठा सकता है। लेकिन दूसरी ओर आपको मालूम है कि भारत अपने TEBDF पर काम कर रहा है, जो कि 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इस वजह से भारतीय नौसेना अपने मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट को उन्होंने 57 से 37 कर दिया है। लेकिन अभी ये बात साफ नहीं है कि भारत इन विदेशी फाइटर जेट्स को खरीदे, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि स्वदेशी TEDBF प्रोग्राम में भारत ने इन्वेस्ट कर रखा है। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि IIT कानपुर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि IIT कानपुर ने अपने एक नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की शुरुआत की है, जिसके तहत एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन पेश किया जाएगा। इसके तहत ब्लॉकचेन, इंट्रूजन डिटेक्शन और साइबर फिजिकल सिस्टम शामिल होंगे। इसके लिए 13 स्टार्टअप कंपनीज और 25 R&D प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स को सेलेक्ट किया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस के तहत और ये स्टार्टअप फर्म्स एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करेंगी। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। आपको बता दें कि भारत में रक्षा उत्पादों को बनाने में निजी क्षेत्रों की भारी रुचि दिखाई दे रही है। देश की 333 प्राइवेट कंपनियों को रक्षा उत्पादन बनाने के लिए 539 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें से 110 कंपनियों ने उत्पादन शुरू भी कर दिया है। इस बारे में जानकारी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब के रूप में दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये लाइसेंस उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन के लिए जारी किए गए हैं जो सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए हैं। मार्च 2001 में सरकार ने इन वस्तुओं का 100% उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया था। 2020 में रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तमाम रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी और उनकी खरीद स्वदेशी कंपनियों से करने का फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय ने अब तक कुल 209 रक्षा उपकरणों वस्तुओं की सूची बनाकर उनके आयात पर रोक लगाई है। इन उत्पादों की खरीद स्वदेशी कंपनियों से की जाएगी और ये भारतीय रक्षा उत्पादन उद्योग के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है। इससे हमारी सेनाओं को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर समय से उत्पाद मिल जाएंगे। साथ ही स्वदेशी बाजार विकसित होने से देश का धन देश में ही रहेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रोजगार की संख्या बढ़ेगी। इन स्वदेशी कंपनियों को कुछ खास उपकरण विकसित करने में 70% तक की आर्थिक मदद भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी को लेकर आ रही है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि तीनों सेनाओं में सैनिकों के 1,00,000 से ज्यादा पद खाली हैं और अफसरों के लिए 9,000 से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि थल सेना में अधिकारी वर्ग के 7,912 पद और गैर अधिकारी वर्ग के 90,640 पद अभी भी खाली हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि सरकार इन खाली पदों को भरने के लिए कई कदम उठा रही है और इसके लिए लगातार प्रचार अभियान और युवाओं में जागरूकता पैदा कर रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं को सेनाओं में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। यानी सरकार ने सेनाओं में जॉब को आकर्षक बनाने के लिए पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के अवसरों में सुधार करने और रिक्तियों को भरने सहित कई कदम भी उठाए हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि स्पेस से आ रही है।
भारतीय स्टार्टअप पिक्सल के द्वारा विकसित किए गए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अक्टूबर में प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सैटेलाइट को इस साल फरवरी में PSLV C51 मिशन पर प्रक्षेपित किया जाना था। लेकिन सॉफ्टवेयर में आखिरी समय में गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण कंपनी को पीछे हटना पड़ा। पिक्सल ने बताया कि उनका सैटेलाइट पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने इसका परीक्षण भी कर लिया है। अब वो अगले मौके का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये किसी भारतीय स्टार्टअप का पहला सैटेलाइट होगा जिसे कि लॉन्च किया जाना है। पिक्सल दुनिया के हाई रेजोल्यूशन वाले हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट को डिजाइन कर रहा है, जो कि 10 से 50 गुना अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको के सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।